गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 10, चैप्टर 5, कंटिन्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। टुडे वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 17 टर्म्स, इट मींस A7 is equal to 17 terms, 10th terms से कितनी ज्यादा है? 7, A10 plus 7, exceed means क्या होता है? ज्यादा, इसको ऐसे राइट करेंगे, A17 equal to A10 plus 7। अब इसमें हमें A17 की वैल्यू फाइंड करनी है और A10 की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करना है। तो A17 और A10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई टी। अब A17 के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 17, दैट मीन्स A17 ए प्लस 17 माइनस वन मल्टीप्लाई टी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। A17 इक्वल टू ए प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे 16t। सेम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेम इक्वेशन सेकंड। ऐसे यहां पर साइड में हम A10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A10 के लिए फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें? 10। तो ये हो जाएगा A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई टी। सिंप्लीफाई करेंगे, A10 इक्वल टू ए प्लस 10 में से 1 माइनस करिए 9t। सेम इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम A17 और A10 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। देन पुट द वैल्यू ऑफ A17 A10 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ A17 a प्लस 16d इक्वल टू वैल्यू ऑफ A10 इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। ट्रांसफर कर लेंगे, a प्लस 16d प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए, प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इक्वल टू 7। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 16d में से 90 माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास 7d इक्वल टू 7। डी इक्वल टू जो चीज मल्टीप्लाई में होती है किसमें आ जाएगी? डिवाइड में। 7/7 इट मीन्स 1, डी इक्वल टू 1। डी की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो गई? 1। तो हमें यही फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस, दैट इज आंसर। हेंस कॉमन डिफरेंस इज 1। एक लाइन ड्राइव करेंगे, हेंस कॉमन डिफरेंस इज 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है। तो टू एपीज है, हम तो सॉल्यूशन में हम टू एपीज अज्यूम करेंगे और उसकी फर्स्ट टर्म दोनों की अज्यूम करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म स्मॉल ए इन फर्स्ट एपी एंड द फर्स्ट टर्म कैपिटल ए इन सेकेंड एपी। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल ए अज्यूम कर लिया, सेकेंड
एके की फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए अज्यूम कर ली, बट कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, फर्स्ट दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस उसे हम स्मॉल डी अज्यूम कर लेते हैं, तो जो कि दोनों का सेम है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, have the same common difference, that difference between their 100 terms is 100, dono ki 100 terms ka difference, a 100 minus capital a 100 wo kitna hai 100 ke according to the question, dono ki 100 terms ka, first ap ka 100 terms ka difference, second ap ka difference, second ap ka 100 terms ka difference kya hai 100। अब इसमें an का फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई a 100, फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 100 पुट करनी होगी हमें, a 100 इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई b, क्योंकि फर्स्ट टर्म a फर्स्ट ap की स्मॉल a और सेकंड टर्म ए कैपिटल ए 100 फाइंड करने के लिए ए 100 इक्वल टू सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या होगी 100 माइनस वन और कॉमन डिफरेंस सेम डी, कैपिटल ए 100 इक्वल टू ए प्लस 100 में से वन माइनस करिए 99 डी, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99। अब ए 100 इसको इक्वेशन फर्स्ट हम बोल देते हैं, अब ए 100 और कैपिटल ए 100 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस 99 माइनस ए 100 की वैल्यू कैपिटल ए प्लस 99 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 100, सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ओपन, ए प्लस 99 माइनस ए प्लस प्लस माइनस माइनस 99 इक्वल टू 100। अब देखिए प्लस 99 माइनस 99 कैंसिल, ए माइनस स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, सेम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए लेकिन हमें 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्मॉल ए 1000 और कैपिटल ए 1000 की वैल्यू nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके ही फाइंड करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू t, स्मॉल ए एन की वैल्यू क्या है 1000, ए 1000 फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास स्मॉल ए प्लस 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए प्लस 999 ए 1000 इक्वल टू ए प्लस 999। थर्ड ऐसे कैपिटल ए 1000 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैपिटल ए 1000 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास कैपिटल ए प्लस 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई टी, ए 1000 इक्वल टू ए प्लस 999 आएगा मल्टीप्लाई टी। अब थर्ड और फोर्थ से स्मॉल ए 1000 और कैपिटल ए 1000 की वैल्यूज में पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 999 डी माइनस
कैपिटल ए प्लस 999 डी, ब्रैकेट क्लोज, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999 डी प्लस माइनस कैंसिल, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। अब देखिए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए हमारे पास फाइंड हो चुका है इक्वेशन सेकंड, इसमें राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू कितनी थी 100, तो आ जाएगा हमारे पास 100, तो दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा 100 आंसर। आपको होमवर्क में क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको होमवर्क में करना है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। थैंक यू।